हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आनंद प्रजापति। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जीके का सीरीज चलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूरी वीडियो देखो, देखिए आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप थोड़ा सा वीडियो देखते हो, फिर उसके बाद बोर होने लगते हो। अगर ऐसा करोगे तो एग्ज़ाम कभी नहीं क्लियर होगा, आपको फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाला व्यक्ति कौन है? तो ए ऑप्शन में दिया है इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सबसे ज़्यादा एज तक प्रधानमंत्री रहे, 16 साल 11 महीने 18 दिन तक वो पद पर बने रहे। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री 5 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। अब अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत का सबसे ज़्यादा एज तक महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो इंदिरा गांधी थी, जो कि 5वें नंबर और 8वें नंबर पर प्रधानमंत्री बनी थी। और यहाँ ये 2 बार बनी थी इंदिरा गांधी, एक 5वें नंबर पर जब बनी इंदिरा गांधी, फिर 6वें नंबर पर मोरारजी देसाई आए, फिर चरण सिंह आए, फिर इंदिरा गांधी आए, फिर 9वें नंबर पर राजीव गांधी आए। तो ऐसे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कितने नंबर पर प्रधानमंत्री रहा है। नरसिम्हा राव जो थे वो थे 12वें नंबर के प्रधानमंत्री। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो वो 18वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो अभी तक भारत में कुल 18 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो यहाँ से इतना पॉइंट हमने कवर किया। एक क्वेश्चन से आप जितने पॉइंट कवर कर सके करो, क्योंकि आप जब एक बार एक क्वेश्चन से 1000 पॉइंट कवर करोगे ना, तो आपका वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। 1000 क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 100 क्वेश्चन में ही आपका 1000 या 2000 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, सबसे अधिक आयु में भारत का प्रधानमंत्री कौन बने? तो देखिए वहीं से रिलेट कर रहे क्वेश्चन। तो ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है अटल बिहारी वाजपेयी, सी है मोरारजी देसाई, डी है चौधरी चरण सिंह। मोरारजी देसाई जो हैं वो सबसे एस में प्रधानमंत्री बने, वो 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो 58 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, कमांडर रैंक के समान वायुसेना में कौन सा पेड़ नहीं है, वो पद है। भाई गलत टाइपिंग किए हैं तो वो गलती हो गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन मैं टाइप करवाता हूँ फिर उसको करवाता हूँ, ऐसा नहीं है किसी बुक का मैंने फ़ोटो खींचा और करवा दिया। क्वेश्चन टाइप करवाता हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही सेलेक्ट करवाता हूँ। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, बिना अच्छे से प्रिपरेशन किए अगर आप सोच रहे हो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, अब यहाँ स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए, जैसा कि तीसरा क्वेश्चन है, कमांडर रैंक के समान वायुसेना में कौन सा पद है? तो ए दिया है कप्तान, बी दिया है विंग कमांडर, सी दिया है पायलट, डी दिया गया है स्क्वाडन लीडर। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही है, विंग कमांडर जो है कमांडर रैंक के समान वायुसेना में पद है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कौन कौन से पद हैं, तो वो आप याद कर लेना। देखिए चौथा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से आरंभ की गई थी? ए दिया गया है सूरत, बी दिया गया है पोरबंदर, सी दिया गया है अहमदाबाद, डी दिया गया है जामनगर। तो प्रसिद्ध दांडी मात्र ये गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर है, वहाँ एक अहमदाबाद शहर है, वहाँ के साबरमती एक आश्रम है, वहाँ से आरंभ किया गया था ये। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने आरंभ किया था, इसलिए किया गया था कि उस समय नमक पर कर लगा दिया गया था, उसी कर को तोड़ने के लिए ये दांडी मार्च यात्रा निकाली गई थी। तो सारे पॉइंट कवर करोगे ना तो आपको आसान हो जाता है कि कैसे एग्ज़ाम क्लियर होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर पढ़ते हो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो पांचवा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र रचयिता कौन है? तो ए दिया गया चाणक्य, बी दिया गया भास्कर, सी दिया गया आर भट्ट, भी दिए गए बीड़ भट्ट। तो चाणक्य जो हैं उनका नाम कौटिल्य भी है, तो वही अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। और इनको राजनीति, कृषि और कई क्षेत्रों में विद्वता हासिल थी, ये बहुत ही बुद्धिमान थे। चाणक्य की राजनीति में इतना बुद्धिमान थे क्योंकि देखो, चाणक्य राजनीति में इतना बुद्धिमान थे क्योंकि इन्होंने देखो
मौर्य वंश की स्थापना इन्होंने ही करवाई थी। अब देखिए छठा क्वेश्चन है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ए दिया गया है बुध, बी दिया गया है शुक्र, सी दिया गया मंगल, डी दिया गया बृहस्पति। तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र है, और बुध पहले नंबर का ग्रह है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, पहले नंबर का सबसे छोटा ग्रह शुक्र, सबसे चमकीला। ये शुक्र, बुध के बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, ऐसा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे नंबर पर आते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि याद आप याद कर ले कौन से सीरीज पे कौन सा नंबर आता है। तो मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, तो ऐसे याद कर लो। बृहस्पति भारत, बृहस्पति ब्रह्मांड का सबसे, मतलब बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ब्रह्मांड का मत कहिए, गलत होगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का मतलब सूर्य के जितने ग्रह हैं उनमें से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो यहाँ से छठे क्वेश्चन कवर कर लिए हमने, सातवें पे चलते हैं। देखो यहाँ दिया गया है, निम्न में से किस खनिज संसाधन की खुदाई जलोढ़ द्वारा की जाती है? ए दिया गया है सल्फर, बी दिया गया है कोयला, सी दिया गया है सोना, डी दिया गया है जिंक। तो जलोढ़ वेद से खुदाई जो होता है वो सल्फर का होता है, तो ये याद कर लेना। कोयला जो होता है हमें पता है कैसे खुदाई करते हैं, उसको ज़मीन से निकालना पड़ता है। अब यहाँ कोयले से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सर्वोत्तम गुण वाला कोयला कौन सा है? तो पहला है एंथ्रोसाइट, बी है बिटुमिनस, सी है लिग्नाइट, डी है पीट। तो एंथ्रोसाइट जो कोयला है वो सबसे अच्छा कोयला होता है, ये ज़मीन के बहुत अंदर लाखों करोड़ों सालों से जो धरती के पेड़ पौधे जल के ज़मीन में जीव जंतु जले हैं, तो उनसे पेड़ पौधों से बना है एंथ्रोसाइट। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बिटुमिनस में जो कार्बन की मात्रा होता है वो कम होता है, 78% होता है, लिग्नाइट में और कम होता है। बिटुमिनस लिग्नाइट से पीट कोयला बनता है, जो हम घरों में पहले यूज़ करते थे, तो वो पीट कोयला होता था। तो नौवें क्वेश्चन पर चलते हैं, तो इसमें है ध्वनि एवं प्रकाश में किसका वेग ज़्यादा होता है? तो वहाँ ज़्यादा लिखना भूल गए हैं, तो ध्वनि और प्रकाश में किसका वेग ज़्यादा होगा? आपको पता ही होगा किसका होता है, प्रकाश का होता है, कितना होता है, 3×10^8 m/s इतना इसका वेग होता है। और ध्वनि का कितना होता है? तो ध्वनि का 332 m/s कहीं कहीं दिया रहता है, और 330 m/s दिया रहता है। अगर इससे अगर आप तेज़ जाते हो तो आपको क्या होता है, जैसे आप गए इससे तेज़, आपको किसी ने बुलाया तो आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आप ध्वनि से ज़्यादा तेज़ चल रहे हो ना। तो जो रॉकेट चलते हैं, उड़ाए जाते हैं, रॉकेट छोड़े जाते हैं, तो वो ध्वनि के ज़्यादा स्पीड में होते हैं, उसे सुपरसोनिक, अगर ध्वनि से कोई ज़्यादा तेज़ स्पीड से जा रहा है तो उसे सुपरसोनिक वेग कहते हैं। तो यहाँ से ये कवर किया। तो देखिए दसवां क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना जो किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था, और ये किसके सहायता से किए थे? चाणक्य की राजनीति से, उन्होंने हर्यक वंश के राजा को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। अब देखो यहाँ पर एक दिखाई दे रहा होगा अशोक, तो अशोक जो थे वो भी महान सम्राट थे, आपको पता होगा अशोक ने अपने 101 भाई थे, उनमें से 99 भाइयों को मार कर वो गद्दी पर बैठे थे, बिंदुसार के बेटे थे अशोक। अब देखो 11वां क्वेश्चन है, वियना किस देश की राजधानी है? तो ये आप नीचे कमेंट में बताएं कि वियना किस देश की राजधानी है। आपको जिस क्वेश्चन के बारे में जितना पता हो सारा लिखा करो, जब एक बार आप लिख देते हो ना तो वो कभी नहीं भूलते। तो आपको जितना पता हो सब कुछ लिखना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो यार, थोड़ा शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।